बेंगलुरु समेत पूरे मुल्क में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर क्या हिंदू क्या मुसलमान तमाम लोग एक दूसरे को मुबारकबादी देते हुए देखे गए। बेंगलुरु के चिमटी ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की गई, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हब्बाल असेंबली हलके से कांग्रेस और जेडीएस के उम्मीदवारों ने भी एचएमटी ग्राउंड पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी दी। हब्बाल असेंबली के जेडीएस के उम्मीदवार मुहीद अल्ताफ ने लोगों से मुलाकात की और ईद की पुरखलूस मुबारकबादी देने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस मरतबा मुसलमानों में जोश खरोश है। हब्बाल असेंबली हलका एक मुसलमानों की आबादी वाला हलका है, यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार का कामयाब होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में नहीं है वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार का जीतना मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा तादाद है वहाँ पर जीतना आसान है। इस वजह से इस मरतबा वक्कलिया समाज यानी गौड़ा समाज और क्रिश्चियन और दीगर समाज वाले भी जेडीएस को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से इनकी जीत यकीनी है। मुसलमानों को, हमारे हिंदू भाइयों को मेरे तरफ से पुरखलूस ईद उल फितर की मुबारकबादी देता हूँ और यहाँ के ईदगाह कमेटी की जानिब से जो इंतज़ाम किया है उन लोगों को भी मैं ईद मुबारक देते हुए आप लोगों से इंतज़ार करता हूँ कि आप लोग सब दुआ कीजिए कि हम लोग सब इत्तेफाक के साथ और रमज़ान की जो हमने फजीलतें किया है उसमें अल्लाह ताला हम सबको बरकत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।